एक कहानी है भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तुमको दुनिया बताऊं? अन्य कहा बताओ। तो बैल की सवारी लिया और वो दोनों पैदल चले। हम लोगों ने देखा, ने कहा देखो देखो सवारी खाली जा रही है, ये दोनों मियां बीबी पैदल जा रहे हैं, कुछ स्क्रू ढीला लगता है इनका। शंकर जी ने कहा सुना, कहा बात तो ठीक कहते हैं भाई। तुमने कहा ठीक है, हम बैठ लेते हैं भाई। बैठ लिए शंकर जी बैल पे। अब थोड़ी दूर चले, देखो देखो हट्टा कट्टा मुरमट्टा बैठा है बैल पर, और बिचारी स्त्री सुकुमारी घिचट रही है पैदल। तुमने कहा सुना, हाँ कहे बात तो ठीक कहते हैं। अच्छा भैया तुम बैठ लो बैल पर, हम चलेंगे पैदल। अच्छा देखो देखो ए बीबी का गुलाम जा रहा है पीछे पीछे, हाँ वो उसको सवारी पर बैठाए हुए है, नकटा शर्म नहीं आती। सुना, हाँ बैठ कहते तो ठीक है लोग, तो आओ तुम भी बैठ लो। अब दोनों बैठ लिए, कह देखो 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 दो दो सवारी बैल पर, वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बैल का, कितना आदमी स्वार्थी है। सुना, हाँ हाँ बात तो ठीक है। अरे तो फिर क्या करें, ठीक है तो ये दुनिया वाले तो किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। भरतियरी ने कहा कि मौनान मुका प्रवचन पटु चाटुलो जल्पकोवा दृष्ट पार्श्वे बसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भ क्षान्त्याभिरुर। अगर कोई चुप रहे, शास्त्रों में लिखा है कम से कम बोलो, कोई चुप रहे बहुत बोले नहीं, गूंगा है उसने ऐसा अपमानजनक वाक्य कहा, अरे चुप बैठा रहा पत्थर, हम होते थे एक झापड़ लगाते। और अगर उसने एक की चार सुनाई, रे 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 उसका मुनर लगना हो तो काव 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 खा लेता है जान, बहुत बोलता है। अगर कोई बार बार आपके घर में आवे, अरे क्यों रोज रोज आता है भाई ये पड़ोसी, क्या बात है। अब अगर कभी नहीं आया पड़ोसी, बड़े लाट साहब है, अहंकारी है, आते ही नहीं कभी हमारे यहां। अगर कोई सहले किसी के गाली वाली को, बड़ा डरपोक। और अगर न सहे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कहना बड़ा गुंडा है, उससे मुनो लगना। अरे तो कैसे रहे संसार में कोई। और फिर भी हम आशा करते हैं कि सब हमारे मुआफिक हैं, जय बोलते हैं। क्यों, अरे तुम मिनिस्टर हो इसलिए जय बोलते हैं, तुम करोड़पति हो इसलिए जय बोलते हैं, तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता है इसलिए। जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा उतनी लिमिट में वो जय बोलेगा, झुकेगा। स्वार्थ कम झुकना कम, स्वार्थ नहीं है नमस्ते, ऐसे करता है नमस्ते, उधर को हाथ जा रहा। तो संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही है। ये डिसीजन
डिसीजन निश्चय करना होगा, बार बार सोचना होगा। ये राग या द्वेष ये बार बार सोचने से पक्का होता है। ऐसे सुन लिया, हाँ समझ गए समझ गए, ये समझना काम नहीं देगा जो आप लोग समझ रहे हैं इस समय। इसका मनन श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यम, निदिध्यासन भी हो, डिसीजन हो, श्रवण मनन फिर निदिध्यासन, तीनों होना चाहिए। खाली श्रवण हो गया उस समय तो ज्ञान हो गया, और फिर भूल गया। तत्व विस्मरणात् भेकीवत्, बहुत जल्दी भूल जाता है मनुष्य। तो जब डिसीजन हो जाता है, हाँ वही हमारा सुख है, और उनकी कृपा से ही मिलेगा, और उनकी कृपा को पाने के लिए कर्म ज्ञान तपश्चर्या कोई भी साधन इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कृपा को हम मोड़ ले लें। वो तो सरेंडर करना होगा, भीख मांगना होगा, उसी को भक्ति कहते हैं। वो कैसे होगी फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।